तो ही व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो आज मैंने सोचा है कि बहुत टाइम बाद मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम से माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक या कुछ ना कुछ खेले जा रहे हैं। तो आज मैं अपनी दूसरी आईडी से खेल रहा हूँ, जिसमें मैंने अपनी कैली खोल रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो अभी मैं रैंक गेम खेलूँगा सबसे पहले, क्योंकि फिर मेरे को बहुत मतलब रैंक मेरी बहुत कम हो रखी है और मैंने कैली को पूरा अपग्रेड कर दिया था, इसलिए मेरे पास सिर्फ 917 कॉइन्स बचे हैं। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देता हूँ खेलना। गाइस यहाँ पर MP5 की मेरे को स्किन मिल चुकी है। अब गाइस मेरे को पता था कि इसका सर्वर थोड़ा हाई होता है रैंक्ड गेम का, तो थोड़ी देर लगती है। गाइस आज हम लॉबी भी थोड़ी बहुत देख ही लेंगे, आज थोड़ा जल्दी लग जाएगा इसमें। GFX में यूज़ कर रहा हूँ रोज़ रोज़, इसलिए बहुत आसानी से आ जाता है सब कुछ। हेलो गाइस, मैच होने वाला है स्टार्ट हमारा। तो गाइस आप लोगों को पता ही है मैं उतरता हमेशा रिमनम विलेज ही हूँ, तो रिमनम विलेज इस बार है जोन में। शायद ही पहुंच पाएंगे इस बारी, तो ना दोस्तों नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर, स्प्रिंट करके चले जाएंगे जल्दी जल्दी। इस जगह पर से मैं गन्स ले जाता हूँ एक दो, और फिर हम चले जाएंगे सीधे। और गाइस कैली भी है, तो फिर बहुत तेज तेज भागेगा हमारे कैली। गाइस शायद गन पड़ी है सामने, गाइस ये बड़ा ही बकवास निकला। ओ गाइस अंदर पड़ी P90, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। गाइस कटाना भी मिल चुकी है हमें वहां पर। गाइस थ्री फिंगर्स मैंने खेलना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड था थ्री फिंगर्स खेलना। M14A1 मिल चुकी है हमें, M14A1 की बहुत शानदार वाली स्किन है हमारे पास। यहाँ पर G18 मिल चुकी है, HGMO ले लेते हैं इसकी। गाइस हेल्थ गई है इस पर कूदने से, तो गाइस एक बार मेरे को सेटिंग बिठानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये मेरे हिसाब से नहीं हो रखी सेटिंग बिल्कुल ही। इसको खा के अब हम चलते हैं सीधे रिमनम विलेज। एरोफॉल से एक आदमी दूसरे को मार गया, चलो फिर भी हो सकता है फिस्ट से एक आदमी। तो
गाइस कैली की स्पीड बहुत तेज़ है भागने की, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था, बहुत तेज़ भागती है कैली। कैली की ये एबिलिटी ये है कि भाई ये बहुत तेज़ भागती है। और गाइस आजकल रिमनम विलेज में बहुत सारे लोग आने लग गए हैं, तो फिर हमें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। रिमनम विलेज में आजकल बहुत बंदे आते हैं गाइस, हो सकता है एक दो हमें मिल जाए, और हो भी सकता है ना ही मिले। और ना ही मिले तो मैं तो यही प्रे करूँगा, क्योंकि गाइस आजकल मैं थोड़ा कम खेलता हूँ तो फिर बहुत कम प्रैक्टिस है मेरी। प्लाज्मा पड़ी है गाइस, किसी काम की नहीं है। कोई सी डंकी गन भी नहीं मिली है गाइस यहाँ पर, तो M1/4A1 तो मेरे को रिप्लेस करनी किसी भी गन से, क्योंकि गाइस ये बर्स्ट पे चलती है तो बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ पर हमें मिल चुकी है कार 90 है, तो मैं इसकी जगह ले लेता हूँ, ARM छोड़ देता हूँ मैं। गाइस 10 MO मिल चुकी है इसकी हमें। चलो गाइस अगर रश हो गया तो फिर P90, और अगर दूर से कोई बंदा हमें मारने की कोशिश कर रहा है तो फिर कार 98। लैंडमाइन ले लेते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा काम की होती है लैंडमाइन। सेफ जोन श्रिंक होने को भी आने वाला है गाइस, और फिर मेरे को जल्दी से भागना भी है जोन के लिए। गाइस ग्लू वॉल मिल गई आखिरकार, FF वेंडिंग मशीन टोकन भी मिल गया, और भी बहुत कुछ चाहिए अभी तो, FF वेंडिंग टोकन और मिल गए। गाइस सेफ जोन श्रिंक होने वाला है, तो फिर अब जल्दी से यहाँ से भागते हैं। अब गाइस ना तो यहाँ पर कोई सा बंदा आया, तो मैं जल्दी से एक बार और सेटिंग्स उठा लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब सही है गाइस, फालतू की गोलियां वेस्ट कर रहा हूँ गाइस मैं, एक तो पहले से ही गोलियों की कमी है हमारे पास। अब गाइस जल्दी से यहाँ से भागते हैं, हम सीधे ऊपर आ गए हम। MP5 पड़ी है ना गाइस, अब M5 लेंगे हम। गाइस जोन आने वाला है एकदम, हम बस भाग रहे हैं कुछ भी करके। और गाइस बीच रास्ते में कोई सा बंदा बंदा ना मिल जाए, नहीं तो फिर दिक्कत है। गाइस अब जोन से मैं भागता हुआ आ तो चुका हूँ, और अभी तक जोन गया नहीं है। देखो गाइस ये आ रहा साइड में से जोन,
गाइस क्लॉक टावर में कोई नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गलती से मुझसे गोली चल गई। गाइस अब मुझे भागना पड़ेगा। और गाइस भागा भागा मैं आ चुका हूँ आखिरकार, और एक दो गोलियाँ हमें पड़ी थी। गाइस बंदा दिख चुका है। गाइस आने दो इसे, आगे आने दो। गाइस एक दो शॉट और मारने उसे, फिर वो मर जाएगा जो कोई भी है। मार डाला गाइस उसे भी हमने, दो किल्स तो गाइस ऐसे ही आ गए, तो फिर हमारी केडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गाइस एक और बंदा दिख चुका है मुझे। गाइज ये बॉट है। गाइज और गोलियों की आवाज, यानी कि कंपटीशन अभी बाकी है। अरे गाइस ज़रा सा बच गया था आदमी जो कोई भी था। एक तो मेरे को जोन की वजह से बचना पड़ रहा था, और एक लाइक तो बनता है इस आदमी को। चलो गाइस अब मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ क्लैश स्क्वाड, और रैंक तो मेरी बड़ी होगी मेरे को अच्छे से पता है। ब्रॉन्ज वन पे था, और किस पे आ गया मैं, ब्रॉन्ज वन पे हूँ गाइस। कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है। अब मैं जल्दी से चलता हूँ क्लैश स्क्वाड खेल लें, क्लैश स्क्वाड में और मज़ा आएगा गाइस। अगर क्लैश स्क्वाड में मैं अच्छा खेल लिया तो फिर बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। गाइस गोल्ड गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड की मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलो गाइस मैं क्लैश स्क्वाड बरमूडा रीमास्टर स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार इसे कैंसिल कर देता हूँ गाइस, कुछ मेरे को लेना था इसमें से। ये गाइस फ्री की एक क्रेट मिली है मेरे को, इसके अंदर से 10 गोल्ड निकला सिर्फ। कम ऑन
तीन और मिल गए गाइस। चलो गाइस अब क्लैश स्क्वाड बरमूडा रिमास्टर लग चुका है, तो फिर उसमें भी थोड़ा धूम धड़क्का करा जाए। सॉरी गाइस। चलो गाइस जीत गए हम। G18 ज़्यादा सही है गाइस, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था इसलिए हो गया हमारा काम। सबसे पहले हम लेंगे गाइस डेजर्ट ईगल, और फिर बचे कुछ पैसों से ये सब ले लेते हैं। अब देखना गाइस डेजर्ट ईगल का कमाल, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है डेजर्ट ईगल का हमेशा से ही। गाइस ज़रा सा बच गया, एक के बाद SMG थी इसलिए उसने मेरे को मार दिया। तो गाइस नू भी लग रहे हैं मेरे को ये सारे, इनमें से एक भी बचाने आ जाए ये रिवाइव कर दे मेरे को। यस गाइस ये मेरे को रिवाइव कर रहा है। भाई रिवाइव कर दो, मरी गया गाइस, इसने रिवाइव करने की तो सोची। चलो गाइस इसको हम दोस्त बना लेते अपना। गाइस इस राउंड में हमें MVP बनना है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है गाइस ये भी डंकी गन है, चलने लायक तो है ही। अब गाइस डेजर्ट ईगल शॉर्ट रेंज गन है, तो फिर हमें लॉन्ग रेंज गन एक चाहिए थी, और यही 1200 रुपीज़ में सिर्फ यही मिल रही थी। चलो गाइस हमारा किल आ गया, MVP हमें इस बार। अब गाइस सबसे पहले हमें ग्लू वॉल है हमारे पास, फ्लैश बैंग एक ले लेते हैं ये दो, और फिर मेरे को लेनी है M1411 रख ही लेते हैं। और फिर चलो गाइस अब हम चलते हैं सीधे, आर्मर लेना है मेरे को, हो रहा थी इनके पैसे नहीं बचे गाइस।
गाइस मेरा किल चोरी हो गया, उसने होरा सिलीन यूज़ कर लिया तो वो वापस जिंदा हो गया था। कोई बात नहीं गाइस, अब हम जल्दी जल्दी खेलना स्टार्ट करते हैं। MVP इस बार ये आदमी बना है। दोनों के फ्रैगमेंट्स हमें मिले जा रहे हैं और 5 किल्स थे हमारे और इसके सिर्फ 7 थे, 2 किल्स हम पीछे रह गए। तो अब गाइस जल्दी से मैं एक और क्लैश स्क्वाड खेल लेता हूँ, या फिर एक कोई सा नया है का शायद कॉस्मिक स्पीड रेसर आया है वो ट्राई करके देखते हैं क्यों ना। भाई इतना सारा हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ रहता है लेकिन हम लेते नहीं हैं। गाइस प्लेइंग दिखा रहा है उसको। और फिर गाइस अब मेरे को क्या करना है कि स्पीड, कॉस्मिक स्पीड क्या नाम था उसका, हट गया गाइस वो शायद। कोई बात नहीं गाइस, क्लैश स्क्वाड बरमूडा रिमास्टर खेलते हैं वापस। चलो गाइस ये वाली गन ले ली है मैंने और एक गाइस मशरूम ले लेता हूँ मैं। गाइस किल चोरी हो गया हमारा, हमारा किल चोरी हो गया गाइस। गाइस बस एक आदमी बचा है, गाइस जरा सा बचा था ये आदमी भी। चलो गाइस जीत चुके हम फिर भी। चलो गाइस अब हेल्थ फुल हो चुकी है मेरी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो गाइस ये आदमी भी रिवाइव हो गया,
अब गाइस मैं किसी का एहसान लेता हूँ, नहीं तो वापस से मैं रिवाइव तो करता ही हूँ। गाइस ये गन लेंगे, अब 0 पैसे बचे हमारे पास। गाइस डबल शॉट गन हो चुकी है हमारे पास। गाइस किल चो रहे हैं लोग पूरे। बस आया तो सीधे मुझे मारा इसने। गाइस किल चो रहे हैं लोग पूरे के पूरे किल चो रहे हैं, इसको दिखा सीधे मैं ही। गाइस इसकी जगह ले लेते हैं हम, AK ले लेते हैं हम। गाइस ये मरा कैसे नहीं, 209 का डैमेज था। वो बात नहीं गाइस, देख लेंगे इस आदमी को। गाइस इस वाले मैच में सिर्फ और सिर्फ यूज होगी शॉर्ट रेंज गन्स। चलो गाइस अब इस वाले मैच में मेरे को जल्दी जल्दी किल्स निकालने हैं, और सारे के सारे इसके अंदर बैठे हैं तो हमें उन पर रश करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ही बात है।
चलो गाइस सीधे हेडशॉट मारा, वो गया आदमी जो भी था। बहुत बढ़िया गेम था गाइस, बहुत मज़ा आया खेलने में। किल्स हमने निकाले, लेकिन एमवीपी कोई और ही होगा, देख लेना। देखो गाइस ये क्रोनो बनाया एमवीपी। अब हमारे कितने किल्स थे देखना पड़ेगा, हमारे चार थे, सिर्फ चार ही थे, यानी कि हमने पूरी एक स्क्वाड निपटाई है। सीधे गाइस हेड मारा 209 का डैमेज और वो सीधे मर गया जो कोई भी था। गाइस गोल्ड पे गोल्ड मिला जा रहा है हमें। गाइस वॉल्ट में कुछ तो है हमारे पास। गाइस हमारे पास एक डायमंड वाउचर भी है, तो फिर उसके हिसाब से कुछ ले लेते हैं। ये तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं गाइस। तो अब मैं जाता हूँ लक रॉयल में। गाइस ये हमें सिखा रहा है क्या है लक रॉयल। भाई हमें एक टी शर्ट मिली है 3 दिनों के लिए। गाइस इन 200 मिले हैं कैरोलिन के। अब इसके अंदर क्या मिलेगा, 3 ये रिवर्सिबल कार्ड्स ऐसे कुछ है, और 100 गोल्ड मिला हमें इसको खोलने से। गाइस एक और क्लैश स्क्वाड खेलते हैं। मैच लग चुका है गाइस, इस मैच में हमें थोड़ा धमाल बमाल मचाना है। इस मैच में मेरे को एमवीपी बनना है, बस कुछ भी करके एमवीपी बनना है। इस मैच में मेरे को एमवीपी बनना है, और हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधा हम एमवीपी बनने की कोशिश करेंगे। तो G18 मैंने यहाँ पर ले ली है, अदरवाइज हर बार तो मैं USP ले लेता हूँ। गाइस लेफ्ट में से आके मार गया है जो कोई भी था, ये सारे ही मार गए आके। तो वैसे गाइस ये नूबड़े लोग नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे खेलने वाले लोग हैं। ये हायर तो मार गया गाइस हमें। गाइस बस एक ही जना बचा हमारी टीम का, जिसको पीछे से मार देंगे ये लोग, मैं 100% श्योर हूँ। गाइस बेचारे से तो निशाने भी नहीं लग रहे हैं। गाइस ये वैसे अच्छा तो खेल रहा है। ये बेचारा तो गया गाइस, इसको ये नहीं बचा पाएगा कोई भी। गाइस ने दो दो को निपटा दिया ऐसे ही, और मेरे ख्याल से इसकी पिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये सब हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। और गाइस ये मरने वाला है, और गाइस मेरे को पता था ये जोन सी मरेगा पक्का। गाइस अगर सच बताऊँ तो अगर ये इसे फिनिश कर देता तो हम जीत चुके होते। अब इसने भी पागलपंती दिखाई है, लेकिन पागलपंती का कोई इलाज तो है नहीं गाइस। तो फिर अब हमें भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा गाइस, ऐसे लोगों के साथ तो फिर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइस इस मैच में मैंने जैसा कि आप सब लोगों को कहा है, मैं MVP तो बन के रहूँगा, तो इस मैच में मैं ही MVP होऊंगा और कोई भी नहीं होगा।
चलो गाइस अब बिना किसी देरी के मैं ऊपर वाली साइड पे चलता हूँ, और ऊपर वाली साइड से सब लोग आएंगे। तो गाइस देखो एक नमूना वहीं से आ रहा है। गाइस पीछे की साइड एक बंदा आ चुका है। गाइस इसको मैंने रिवाइव कर दिया है। गाइस दो किल्स तो इस बार हमारे खाते में आ चुके हैं। गाइस जरा सा बच गया था ये हायाटो, हर बार ये हायाटो ही आके मार रहा है मेरे को। तो अब ये हायाटो ही मेरा चैलेंजर है। इसको अब मैं बताता हूँ कि आर्यन गेमिंग भी कोई सी छोटी चीज़ नहीं है। तो अब इस राउंड में मैं इन लोगों को बताऊंगा कि भाई हम लोग भी कोई से बुरे प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छा खेल लेते हैं हम, और जब हम खेलते हैं तो वो अच्छा ज़्यादा खेल जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले दो ग्लू वॉल ले लेता हूँ, और कुछ नहीं ले सकता अब। चलो गाइस अब मैं दिखाता हूँ कि ये वाला राउंड हम जीतेंगे तो बहुत ही बुरी तरह से जीतेंगे, नहीं तो फिर नहीं जीतेंगे, पूरी स्क्वाड निपटा देंगे गाइस हम, पूरी की पूरी स्क्वाड। देखा ना गाइस, बताया था मैंने आपको, जिस मैच में हम जीतते हैं तो बहुत बुरी तरह जीतते हैं, नहीं तो फिर रहने ही देते हैं। ट्रिपल किल आ चुके हैं हमारे इस मैच में सिर्फ और सिर्फ। तो अब इस राउंड में हम इनको वापस से दिखाएंगे कि इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। तो अब हम इनको बोलेंगे सीधे टाटा गुड बाय, क्योंकि गाइस अब हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को, सच में इन लोगों ने बड़ा गुस्सा दिलाया। और गाइस टीममेट्स भी अच्छे हैं, ऐसे कोई बुरे भी नहीं है, बराबर डैमेज देते हैं, पूरी कोशिश तो करते हैं मारने की, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि भाई पिंग ज़्यादा आ जाती है तो फिर हम किसी को मार नहीं पाते हैं। गाइस बुकिंग आई है किसी की, तो अब किसकी है, लकमैन की है। गाइस लकमैन मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ खेलता हूँ, एक मैच खेलेंगे गाइस उसके साथ। चलो गाइस एक बंदा दिख चुका है मेरे को, गोलियाँ आती हुई दिख रही है मेरे को उसकी। तो गाइस गोलियां पड़ी, बहुत बुरी तरह पड़ी। और गाइस फिर से हम मर चुके हैं, इस राउंड में हम बता नहीं पाए, इस राउंड में हम खेल ही नहीं पाए एक्चुअली, इस राउंड में हम बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। चलो गाइस अब मेरे टीममेट्स कुछ करके दिखा दें। चलो गाइस विक्ट्री हो गई, बहुत अच्छा खेले गाइस ये लोग, बहुत अच्छा खेले। गाइस जंग कभी भी अकेले नहीं जीती जाती, पूरी टीम के साथ ही जीती जाती है, ये बात यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। बहुत अच्छा खेलते हैं लोग सच में, कहना तो पड़ेगा। और गाइस मैं ग्लू वॉल ले तो रहा हूँ लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर लेने का क्या मतलब है। इसने मेरे लिए हेलमेट छोड़ा था, थैंक यू भाई। होरा जेलिन पड़ी है यहाँ पर मेरे पास है, हाँ गाइस मेरे पास है होरा जेलिन है मेरे पास।
भाई मुझे क्या लग रहा है ना कि लेफ्ट राइट में से भी दो तीन बंदे हम पे रश करने आएंगे ही आएंगे। नहीं गाइस उल्टा हो गया, हम लोगों ने उन लोगों पे रश कर दिया। गाइस AN-94 गन से तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तो गाइस फिर से जिता दिया इन लोगों ने। इतनी भी बड़ी प्रो टीम नहीं है जो हमारे सामने आई है, ज़्यादा भी मतलब मैं सोचता हूँ जितना होता नहीं है। अब गाइस मैच पॉइंट तक आ चुका है हमारा, तो अब इस मैच में हम वापस से ग्लू वॉल ले लेते हैं। गाइस पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे तो पूरे हैं। अब एक ढंकी सी गन ले लेते हैं, AK ले लेते हैं, और लेकिन गाइस रखेंगे तो AN-94 ही। चलो गाइस अब सीधे चलते हैं सामने की ओर। बहुत बढ़िया दोस्त, गाइस एक को नॉकआउट कर दिया था मैंने, लेकिन एक बचा है। अब ये पागल मार दे उसे, बढ़िया रहेगा। मारना भाई उसे, क्या नूबड़ा है गाइस ये। कम ऑन भाई मार। गाइस बहुत बढ़िया, गाइस मरा नहीं है जो कोई भी है। अब भाई तेरे को भागना पड़ेगा, भाग। AK ले ले। हाँ शील्ड खोल, बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। सीधे गाइस 100 नॉकआउट मैच, और सीधे वो मरा जो कोई भी था। अब भाई उसे फिनिश कर देनी, तो वो होरा जिले लेके वापस जिंदा हो जाएगी। और गाइस वो जिंदा हो गई, और ये पागल भूल गया उसे मारना। कोई बात नहीं गाइस, इस मैच में हम भी दिखा देंगे। दोबारा से एक और राउंड आ चुका है। अब ये लोग भी बहुत अच्छा खेल लिए, जो कोई भी हैं सामने जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। अब गाइस हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि हम लोग मतलब हल्के में ले लिया इस राउंड में हमने थोड़ा। अब इस राउंड में मिलेगी बराबरी की टक्कर, क्योंकि भाई अब 3-3 पे दोनों आ चुके हैं। अब गाइस इस राउंड में मेरे को भी अच्छा खेलना पड़ेगा। मैंने उस आदमी को नॉकआउट कर दिया था, हायाटो को, और फिर सामने वाली जो थी उसने मेरे को नॉकआउट कर दिया। सबसे बड़ी गलती ये हुई है हमसे। गाइस फर्स्ट ब्लड भी हो गया, पता भी नहीं चला। गाइस भागो भागो गाइस भागो। अब गाइस वो हील कर लेगा पूरा खुद को, क्या मतलब था उसे इतना ज्यादा डैमेज देने का। ओ गाइस उसने सीधे हेडशॉट दिया भाई, रिवाइव करो। और गाइस हार गए, बहुत बुरी तरह हराया गाइस इन्होंने। कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत तो गाइस लगी रहती है, हारने के बाद सब यही बोलते हैं।
गाइस 9 किल थे मेरे, हम जीत सकते थे गाइस, 3-4 सी आ रहे हैं। अब गाइस मेरे साथ जो लखमैन जो आए हैं उनके साथ खेलते हैं अब हम। चलो गाइस ये लास्ट मैच है, फिर इसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, आधे घंटे का तो होने ही वाला है कम से कम। और गाइस हाथ हाथ भी जाम टाइप होने लग जाते हैं इतना ज़्यादा खेलने के बाद। चलो गाइस ये लास्ट मैच है, फिर उसके बाद वीडियो ओवर। और गाइस मैंने 1 ब्लॉक की वीडियो डाली है तो ज़रूर से देखना मत भूलना, उस वीडियो को ज़रूर से देखना क्योंकि वो गाइस मैंने बहुत मेहनत करी उस वीडियो में, वो कम से कम 53 मिनट्स की है पूरी वीडियो। देखना चाहते हो तो गाइस ज़रूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। गाइस डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर ही लेना प्लीज। गाइस सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा, लगता है कोई आया ही नहीं है इस बार। और गाइस क्रोनो है, ये क्रोनो है गाइस, ये गाइस मेरा किल आने वाला था कि इसने मार दिया पहले, जो कोई भी है ये। और गाइस गिर के और भी ज्यादा हेल्थ कम कर लिया हमने। और गाइस हम जीत गए, ऊपर था वो आदमी जो कोई भी था। मौत 8-7, क्या क्या मस्त मस्त नाम रखते हैं ये लोग। एक ये दो मशरूम लेवल 3, ग्लू वॉल बहुत सारी। और अब हम चलते हैं जल्दी से, ये लेटा हुआ क्यों है वैसे समझ नहीं आया मेरे को। और गाइस टाइम लिमिट हो चुकी है ख़त्म, और अब हम पीछे से रश करेंगे। पीछे से रश का मतलब आप समझ चुके होंगे गाइस, हम यहाँ से जाएंगे इस बार। गाइस जो MVP था वही सबसे पहले मरा है इस बार। गाइस वो तो एलिमिनेट ही हो गया बेचारा जो चौथा आदमी था। अब गाइस टाइम है गोता लगाने का। गाइस बहुत शानदार शानदार लोग आए हैं इस बार हमारी टीम में, तो अब इस बार हमें भी थोड़ा बहुत कंपटीशन रखना पड़ेगा। गाइस SK इसलिए इस पागल ने इस राउंड के लिए SK से वुडपैकर में से कोई से एक ना एक तो होगी। गाइस हम नॉकआउट हो गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाइस। और गाइस इस राउंड में तो हमें इन लोगों ने मार दिया, बहुत बुरी तरह से मारा है।
और गाइस इसने भी चमकारनी गिरी करी थी तो ये भी मरा। हाँ भाई फेंको ये ग्रेनेड फेंको ऊपर। बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। गाइस उसने इसको मार दिया आखिरकार, मेरे को लग ही रहा था। गाइस जीत गए हम, वो बेचारे जोन से ही मर गए ऊपर रह के। हो गाइस इस राउंड में मेरे को एमवीपी बनना है कुछ भी करके। 3 से 4 किल तो, 3 किल तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। चलो गाइस अब इस राउंड में थोड़ा धूम धड़क्का करेंगे। अब हम चलो गाइस किल आ गए एक तो, और जीत भी गए हम, एक ही किल आया सिर्फ। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वन ब्लॉक वाली वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पर मैं बहुत सारे गिव अवेज के बारे में बताऊँगा जिसमें आपको कॉइन्स डायमंड सब कुछ मिल सकता है। तो डिस्कॉर्ड जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको डीजे आलो को क्रोनो खरीदने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।